अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज दो एप्लीकेशन लेके आऊँ आपके लिए, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो हम इसको ट्राई कर लेते हैं वॉलपेपर को। सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं वॉलपेपर जो लगा हुआ है, तो हम इसे ऑटोमेटिक चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने मोबाइल को जो है शेक करता हूँ जैसे ही, तो हमारा वॉलपेपर जो है न्यू आ जाता है 3D वॉलपेपर। तो इसका आप एनिमेशन भी देखने को देख सकते हैं कैसा लगता है दिखने में। तो पूरा 3D वॉलपेपर ये है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने जितनी बार अपने मोबाइल को शेक किया है, अपने ही मोबाइल को हिलाया है इस तरीके से, तो हमारा वॉलपेपर जो है न्यू आ जाता है, यहाँ पर लग जाता है स्क्रीन पर। तो इसका एक और भी ऑप्शन है, अगर आप कोई सा भी ऐप या आप यूट्यूब, व्हाट्सअप, फेसबुक या कुछ भी आप चलाते हैं, तो आप जैसे इसको बैक करते हैं तो आपको न्यू वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो यहाँ से मैंने व्हाट्सअप को ओपन किया है, अब मैं जाता हूँ बैक, तो यहाँ पर देखिए हमारा व्हाट्सअप जो है ऑफ होने के बाद जो है यहाँ पर वॉलपेपर चेंज हो गया। अब लाइकी को मैंने ऑन किया है, तो लाइकी के बाद भी देखें आप इस तरीके से हमारा वॉलपेपर चेंज हो गया ऑटोमेटिक। तो फेसबुक को ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, जो सा भी आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसके बाद जो है हमारा वॉलपेपर जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अब आपने इसको लगाना किस तरह के से है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो ऐप है आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपने इसे ओपन करना है। जैसे ऐप ओपन होगा तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है और अप्लाई का ऑप्शन है, तो आप सेटिंग पे क्लिक करें। अगर आप यहाँ से कुछ सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैंने कोई सेटिंग चेंज नहीं करी, मैंने सिंपली जो है इसे अप्लाई किया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो है काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर देखें सेटअप पर तो लगाया हुआ है डेस्कटॉप पर, और मैं स्क्रीन लॉक पर भी लगा देता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन लॉक पर मैं इसको लगा के इसे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा अप्लाई हो चुका है। इसके बाद जो है मैं इसका पावर ऑफ बटन जो है इसको बंद करता हूँ, ताकि हमारा लॉक हो जाए मोबाइल। लॉक होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है लग गया है ये वॉलपेपर। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से चेंज हो रहा है ये वॉलपेपर हमारा। ये दूसरा ऐप भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस ऐप को सिंपली आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे सिंपली ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे यहाँ पर जो है इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे सारे, तो आपने सबसे पहले इसे ऑन कर देना है। यहाँ से ऑन करने के बाद ओके कर दें, तो ये परमिशंस मांग रहा है, आपने यहाँ से इसको परमिशंस को जो है अलाउ कर देना है, ताकि ये ठीक तरीके से वर्क करे। तो सबसे ऊपर मैं इसको जो है सबसे पहले जो इसको परमिशन को अलाउ कर देता हूँ, तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपने इसे यहाँ से अप्लाई करके ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको ऐसे ये देखिए नीचे इस तरीके से बार खुल जाएगा पूरा मेन्यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मेन्यू आ गया है, तो तमाम जो है एप्लीकेशन शॉर्टकट्स वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। मैं जैसा कि कोई एप्लीकेशन अपनी ऑन कर लेता हूँ, जैसे कि मैसेंजर वगैरह, तो अब जो है मैं इसे बैक कर दूँ ज़रा थोड़ा सा, और मैं आपको दिखा दूँ। जैसा कि दोस्तों मैं कुछ भी चला रहा हूँ अपने मोबाइल में, कोई जैसे कि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, फेसबुक को मैंने ओपन कर लिया है। अब फेसबुक चलाते चलाते मुझे याद आया मैंने कुछ फलानी चीज़ पर जो है जाना है फेसबुक पर, या जैसे यूट्यूब वगैरह हो गई या व्हाट्सअप वगैरह हो गया, तो मैं यहाँ से जो है इस तरीके से मैं आपको गूगल क्रोम को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहीं से मैं शॉर्टकट जो है आपसे कोई सी भी एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। तो एक छोटा सा तीर निशान आपके साइड पर आ जाएगा, या आप कुछ भी चला रहे हैं उस वक्त जो है आपने किसी भी और एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो यहाँ से आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इस डॉट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपका पूरे मोबाइल की जितनी भी एप्लीकेशन है, सारी सारी जो ऐप्स हैं वो आ जाएंगी, और यहाँ से आप कोई भी ऐप जो है सिंपली ओपन करके उससे चला सकते हैं। जैसे कि मैंने ज़िपिया को ओपन किया है यहाँ से, अब दोबारा से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं कोई और ऐप जो है यहाँ पर, तो मैं प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्ले स्टोर को ओपन किया है, तो यहाँ से प्ले स्टोर हमारा शॉर्टकट में खुल गया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।